नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का कहना है कि देश के दक्षिणी और पश्चिमी राज्य तो तेजी से विकास कर रहे हैं, लेकिन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों की वजह से देश पिछड़ रहा है। उन्होंने कहा है कि पूर्वी भारत के राज्य, खासकर बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में ये पिछड़ापन सामाजिक स्तर पर ज्यादा नजर आता है। एक तरफ हम इज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में कई पायदान ऊपर चढ़े हैं, तो मानव विकास सूचकांक में अभी भी काफी पिछड़े हुए हैं। 188 देशों की सूची में हमारा नंबर 131 है। हालांकि बीजेपी इसे पूरी तरह से गलत बता रही है। जिन राज्यों की जीडीपी लगातार बढ़ी है उनमें मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है, सबसे आगे है। लिहाजा नीति आयोग के कार्यकारी अधिकारी ने जो बयान दिया है वो सही नहीं है, और कोई भी टिप्पणी करने से पहले प्राधिकारियों को सारे पैरामीटर्स को देखना चाहिए। अगर 30 पैरामीटर्स पर मूल्यांकन हो तो आप 3 पैरामीटर्स के मूल्यांकन से अगर कोई टिप्पणी करेंगे तो वो सही नहीं होगी और उससे गलत परसेप्शन पैदा होते हैं। अमिताभ कांत ने कहा है कि शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसे दो क्षेत्र हैं जहां देश पिछड़ रहा है। हमारे स्कूलों की पढ़ाई पिछड़ रही है। कक्षा 5 का छात्र कक्षा 2 के घटाव नहीं कर सकता है, वो अपनी मातृभाषा भी ठीक से नहीं पढ़ पाता है। शिशु मृत्यु दर बढ़ी है। कांग्रेस को इस पर बीजेपी को घेरने का बड़ा मौका मिल गया। मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य कांग्रेस पार्टी कहती है तो हम पर एक तरफा नहीं चौतरफा हमला होता। अब जब नीति आयोग के सम्मानित पदाधिकारी ने, जो प्रधानमंत्री जी के अधीनस्थ हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश की सही तस्वीर सामने लाकर रख दी है तो 24 घंटा हो चुका मुख्यमंत्री जी अब तक खामोश क्यों? क्या उन पर भी मानहानि का मुकदमा आप लगाएंगे? बहरहाल मध्य प्रदेश सरकार को समझना होगा कि आखिर इतने दावे के बीच ऐसा हुआ क्यों, ताकि जल्द से जल्द ये स्थितियां सुधारी जा सके। भोपाल ब्यूरो की रिपोर्ट।